फिर से स्वागत है। ढाका में हुए हमले में अब तक एक अफसर और चार लोगों की मौत हो चुकी है। यह ढाका में हुआ दूसरा हमला है जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के वक्त हजारों की तादाद में नमाजी ईद की नमाज के लिए मस्जिद आए थे। बताया जा रहा है कि इस हमले की जांच में मदद के लिए एनएसजी के चार कमांडो अफसर बांग्लादेश जा रहे हैं। जिस मस्जिद में गुरुवार सुबह ब्लास्ट हुआ वो काफी पुरानी है। इसके करीब ही बांग्लादेश का सबसे बड़ी ईदगाह है। ब्लास्ट मेन गेट्स के करीब ही हुआ। यहाँ लोग अंदर जाने के लिए खड़े थे। हमले के वक्त इस ईदगाह में 3 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों की भीड़ के बीच मोटोबोल कॉकटेल बम फेंका गया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हसन उल हक के मुताबिक बम वहां मौजूद पुलिस टीम के बीच फेंका गया। बांग्लादेश के जर्नलिस्ट अफजल उर रहमान के मुताबिक इस मस्जिद पर ईद की नमाज के लिए जो भीड़ जुटती है वो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होती है। रमजान भर इबादत गाह के बाद दुनिया भर में ईद का जश्न मनाया जा रहा है। भारत समेत कई अन्य देशों में ईद के बाद के 4 दिन का जश्न मनाया जा रहा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई एशियाई देशों में गुरुवार को ईद मनाई जा रही है। युद्धग्रस्त सीरिया में सेना ने ईद के मौके पर 72 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। सऊदी अरब, बांग्लादेश, तुर्की और इराक में आतंकी हमलों के चलते त्योहार फीका पड़ गया है। बांग्लादेश में तो गुरुवार को ईद की नमाज के वक्त फिर आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाया। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले ईद की नमाज अदा की गई और उसके बाद एक दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हुआ। मिस्र में ईद का जश्न 4 दिनों का होता है और यहाँ इन दिन खास तौर पर मछली की डिशेज बनती हैं। वहीं ज्यादातर देशों में ईद का जश्न 3 दिन तक चलता है। इस मौके पर बच्चों को ईदी देने की परंपरा है, साथ ही गरीबों को दान भी करते हैं। बगदाद में आईएसआई सब सेक्स स्लेव्स को बेचने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप का सहारा ले रहे हैं। आईएसआई के आतंकी अरबी भाषा में ऐड पोस्ट कर रहे हैं। आईएस के अरबी एड में लिखा है, वर्जिन खूबसूरत 12 साल की लड़की, इसकी कीमत $12,500 पहुंच गई है और वो जल्द ही बेची जाएगी। आईएस की ये पोस्ट अरबी भाषा में बातचीत के साथ टेलीग्राम ऐप पर भी नजर आ रही है। इसे इराक की माइनॉरिटी यजीदी कम्युनिटी के लिए काम करने वाले एक एक्टिविस्ट ने मीडिया के साथ शेयर किया है। यजीदी कम्युनिटी की हजारों महिलाओं और बच्चों को इस्लामिक स्टेट ने सेक्स स्लेव बना रखा है। ये कम्युनिटी आईएसआईएस के कैद में फंसी करीब 3,000 लड़कियों और महिलाओं को छुड़ाने की कोशिश में जुटी है। स्कॉटलैंड में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी कि उसका पूरा चेहरा ही बिगड़ गया। विशा टाइन में रहने वाले एशले गेवी और उसका बॉयफ्रेंड एलन क्रोजीर पिछले 13 महीने से रिलेशन में थे। 17 जुलाई को एलन सुबह ऑफिस के लिए निकला और देर रात 2:30 बजे तक घर आया। उसके देर से घर लौटने से परेशान एसल ने जब इसकी वजह पूछी तो वह भड़क गया और उस पर हमला कर दिया। उसने न सिर्फ एशले के बाल खींचे बल्कि उसे जमीन पर गिराकर जमकर लात घूंसे मारे। इसके बाद किसी तरह एशले ने पास ही सो रही बेटी को उठाया, तब जाकर एलन ने उसे मारना बंद किया। एशले इसमें बुरी तरह जख्मी हो गई, वहीं उसका चेहरा जगह जगह काला पड़ गया। उसकी हालत इसलिए और भी बिगड़ गई क्योंकि घटना के 3 दिन पहले ही सर्जरी के जरिए एशले की डिलीवरी हुई थी। वो बहुत कमजोर थी और उसका वजन महज 38 किलो था। एशले ने जैसे ही पुलिस को फोन किया तो उसका पार्टनर ना लौटने की बात कहकर घर से निकल गया। चीन में चल रही भारी बारिश की वजह से अब तक 41,000 घर ढह चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में 6 लाख लोग फंसे हुए हैं। चीन के वुहान शहर में कई दिन से जारी बारिश के बाद यांगत्जे नदी फनने से यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 10 लाख की आबादी वाले इस शहर का यातायात कई जगहों पर जलभराव होने से पूरी तरह ठप है। बिजली पानी की सप्लाई कटी हुई है। शहर के कई हिस्सों में लोग घरों में फंसे हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यांगत्जे नदी के नीचे बनी सुरंग के साथ साथ कुछ सबवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। चीन के यांगसू में शियांग यांग नदी पर बना पुल मंगलवार को हुई भारी बारिश में बह गया। बुधवार को ही सैनिक व राहत कर्मियों ने एक अस्थायी पुल तैयार किया। हमारे प्रोग्राम देश विदेश में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार 9/24। धन्यवाद।
Tata. 50 years of traditions enjoyed daily.